नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंसर्ट टैब के आइकन ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के एक बेहतरीन फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपका डायलॉग बॉक्स तभी ओपन होगा जब आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको आइकन पर क्लिक करना है। आप आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे आइकन्स यहाँ पे देखेंगे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज दी गई हैं जिसमें से आप अपने हिसाब से जिस कैटेगरी के आइकन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जिस कैटेगरी के आइकन को देखना चाहते हैं, उस कैटेगरी पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपके सामने एक्सेसिबिलिटी पर आप देखेंगे एक्सेसिबिलिटी के आपके आइकन्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इसके बाद है एनालिटिक्स, यहाँ पर आप एनालिटिक्स के रिलेटेड आप यहाँ पर आइकन देख सकते हैं। इसके बाद एनिमल्स, आप यहाँ पर एनिमल्स से रिलेटेड यहाँ पर आइकन्स देख सकते हैं। उसी तरीके से आपको यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरीज मिलेगी जिसमें आप जाकर के किसी भी कैटेगरी को क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ बॉडी पार्ट हो गया, बिजनेस हो गया, सेलिब्रेशन हो गया, कॉमर्स हो गया। इसके नीचे आते जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ वगैरह की मिल जाएंगे आइकन्स, टूल्स बिल्डिंग्स के मिल जाएंगे, व्हीकल्स के मिल जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग स्पोर्ट्स पर क्लिक करते हैं, स्पोर्ट्स पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इस वाले आइकन को यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ पर इंसर्ट वाले बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो आइकन आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे आप इस आइकन को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर ग्राफिक शेप के नाम से एक नया टैब खुल जाएगा। कुछ ऑप्शंस को मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन हो गया, अरेंज हो गया, साइज हो गया, इन सभी ऑप्शन को मैंने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर आपको वो लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इन सभी ऑप्शन के बारे में वहाँ से सीख सकते हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो में इतने ही ऑप्शंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा चेंज ग्राफिक का। अगर आप इस ग्राफिक को चेंज करना चाहते हैं तो आपको चेंज ग्राफिक पर क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे जिसमें से आपके पास सबसे पहला ऑप्शन होगा दिस डिवाइस का। दिस डिवाइस का मतलब है कि आपके सिस्टम में ही कहीं पर आपके पास आइकन्स रखे हुए हैं, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आइकन को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर फ्रॉम ऑनलाइन स्पोर्ट्स सोर्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारी इमेजेस रिप्रेजेंट हो जाएंगी। इसमें से कोई इमेज आप चाहें तो सिलेक्ट करके उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से एक इमेज को सिलेक्ट किया और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से किसी भी इमेज को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लेते हैं तो आप देखेंगे वो हमारी जो यहाँ पर आइकन आया हुआ है उस आइकन को रिप्लेस करके इमेज रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम कंट्रोल जेड करके वापस से पीछे चले जाते हैं और यहाँ से आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा फ्रॉम आइकन्स का। यहाँ से आप चाहें तो दूसरे आइकन्स को यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसी आइकन को यहाँ पे रहने देते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन आपके सामने और नज़र आएगा कन्वर्ट टू शेप का। आप चाहें तो इस आइकन को एक शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो आइकन था वो बेसिकली एक शेप बन चुका है। इस पर डबल क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर देखिए शेप फॉर्मेट का ऑप्शन खुल गया, आप ग्राफिक वाला ऑप्शन यहाँ से गायब हो चुका है। तो इसे हम फिर से कंट्रोल जेड करके वापस से बैक कर देते हैं और ग्राफिक वाले ऑप्शन पर फिर से चले जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ग्राफिक स्टाइल नज़र आएगा। इस ग्राफिक स्टाइल पर क्लिक करके आप इसकी थीम को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो जो भी कलर आपको यहाँ पर चाहिए वो कलर यहाँ पर इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर ग्राफिक फिल का एक ऑप्शन नज़र आएगा आपके सामने। इन ग्राफिक फिल में आप जाएं तो यहाँ से कलर्स को चेंज कर सकते हैं। नो फिल करेंगे तो इसमें कोई भी कलर आपका फिल नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे मोर फिल कलर्स का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यहाँ पर बनाना चाहें तो सेलेक्ट करके आप उसे इजीली यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ग्राफिक आउटलाइन का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी आउटलाइन में जो भी कलर है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नो आउटलाइन करेंगे तो इसकी आउटलाइन यहाँ से गायब हो जाएगी। मोर आउटलाइन कलर्स का अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ से भी आप आउटलाइन का कलर खुद से क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ से उसकी विड्थ को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से आप डैशेज को मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप इसमें से इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर और भी ऑप्शन हैं ग्राफिक इफेक्ट के, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है प्रेजेंट। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं इस आइकन के ऊपर, या आप चाहें तो शेडो दे सकते हैं। यहाँ से देखिए डिफरेंट टाइप्स की आपको शेडोज नजर आएंगी, या रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन आपका दिखाई दे रहा है और इसी तरीके से आप चाहें तो ग्लोइंग वगैरह भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे, उसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बिबल का भी ऑप्शन है, सॉफ्ट एज का भी ऑप्शन है, 3D रोटेशन का भी ऑप्शन है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें से आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके इसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया ऑल टेक्स्ट के बारे में और इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, फिर भी मैं ऊपर ऊपर से आपको एक बार गाइड कर दे रहा हूँ कि इन सभी ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं।
अल्टरनेटिव टेक्स्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के बारे में। जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर सेव हो जाएगा, और जब भी आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वापस से वही डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। दूसरा आप देखेंगे पोजिशन का ऑप्शन है। पोजिशन में आप अपने हिसाब से इसको पेज के जिस पोजिशन में रखना चाहें उस पोजिशन पर इस ऑब्जेक्ट को सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग का एक ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को रैपिंग करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं, हमने पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट कर लिया मान लीजिए, और पैराग्राफ को इंसर्ट करने के बाद यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया लाइन विद टेक्स्ट, इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे लाइन की स्टार्टिंग से ही आपका टेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा आप देखेंगे और भी काफ़ी सारे रैपिंग्स हैं, जैसे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायरली एडजस्ट हो जाएगा, ये टाइटली एडजस्ट हो जाएगा, थ्रो वाइज एडजस्ट हो जाएगा, टॉप एंड बॉटम पे एडजस्ट हो जाएगा, बिहाइंड टेक्स्ट टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एडिट रैप पॉइंट्स के भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। तो ये ऑप्शन तब काम करेंगे जब आपका ये ऑब्जेक्ट शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप शेप में इसे कन्वर्ट करके इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक का भी एक ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपके तब काम करेंगे जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट होंगे, यानी एक और ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पे इंसर्ट करना होगा और इसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सभी ऑप्शन इसलिए काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली एक ग्राफिक है। तो हम इसे जैसे ही कन्वर्ट टू शेप पर क्लिक करेंगे तो ये सभी ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर हाईलाइट होंगे। जैसे आप आईज को बंद करेंगे, यहाँ से आईज को ऑफ करेंगे, तो ये सभी ऑब्जेक्ट यहाँ से हाइड हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आप इसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो बेसिकली बाकी के ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक, ये भी आपका हाईलाइट हो गया। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो यहाँ से आप अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर अपने ऑब्जेक्ट को जिस भी पोजीशन में यहाँ पे सेट करना चाहें उन सभी का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ से साइज़ को इसके इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम वापस से इन सभी ऑप्शंस को यहाँ से क्लियर करते हैं और फिर से एक नया आइकन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इंसर्ट में गए हम फिर से और फिर से हमने यहाँ पर आइकन्स पे क्लिक किया, और एक आइकन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम किसी भी आइकन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया इस वाले आइकन को और यहाँ पर हमने कर दिया वापस से इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने फिर से वही ऑप्शंस रिप्रेजेंट हो गए। यहाँ से आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट यहाँ पे दे सकते हैं इसको ऑब्जेक्ट को, जहाँ भी आप चाहें उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में। इसके अलावा अगर आप देखते हैं ग्रुप का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अगर आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो आपको इंसर्ट टैब में वापस से जाना होगा और यहाँ से आपको वापस से आइकन्स पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको कोई दूसरी शेप ले लेनी है। जैसे मान लीजिए हमने इस शेप को सिलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो हमारे सामने यहाँ पर दो शेप्स आ गई हैं। इन दोनों शेप्स को अगर मुझे ग्रुप करना है तो शिफ्ट के साथ मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करना होगा और ग्रुप में जाकर के जैसे ही मैं ग्रुप कर दूंगा तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और वापस से अगर आप इसे अनग्रुप करेंगे तो ये वापस से अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस ग्रुप और अनग्रुप ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रोटेशन का यूज़ करना चाहें तो यहाँ से इसे रोटेट भी कर सकते हैं। जिस डिग्री पर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना चाहें आप अपने हिसाब से यहाँ पे रोटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रॉपिंग का यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं इमेज को। क्रॉप जैसे करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने चारों तरफ एक एंगल दिखाई देगा। इस एंगल को जैसे ही आप खींचेंगे तो उतना एंगल आपका क्रॉप हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से क्रॉपिंग शेप्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको कंट्रोल जेड करके पीछे कर देते हैं और उसके बाद हम वापस से इसको सिलेक्ट करते हैं, क्रॉपिंग में वापस से जाते हैं, और शेप में जाने के बाद क्रॉप टू शेप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी शेप सिलेक्ट करते हैं तो उसी शेप में आपकी ये ऑब्जेक्ट क्रॉप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई दूसरा शेप ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ये वाला आइकन शेप ले लिया और उसी आइकन में आप देखेंगे आपकी जो शेप थी क्रॉप हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्रॉपिंग भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे एस्पेक्ट रेटियो का यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें आप पोर्ट्रेट या हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप में आप अपने हिसाब से इसको क्रॉप कर सकते हैं। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे उतनी एरिया आपका यहाँ पे क्रॉप हो जाएगा। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं क्रॉपिंग करने के, यहाँ से आप अपने हिसाब से जैसा भी क्रॉप करना चाहें इसको उस हिसाब से यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपका हाइट और विड्थ का ऑप्शन है, यहाँ से आप चाहें तो इसे हाइट और विड्थ को भी अपने हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके थे इंसर्ट टैब के शेप ऑप्शन का। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।